सिंहासन मांगा है, जब जब युवा जागा है और सिंहासन मांगा है, हमारी मांगे पूरी करो, निजीकरण बंद करो, निजीकरण बंद करो, जब जब युवा जागा है विभाग में टेक्निकल हेल्प की विज्ञप्ति अधिसूचना जारी करें, नहीं तो कोटा में आने वाले समय में जिला प्रमुख के चुनाव हो या प्रधान के चुनाव हो और विधानसभा के उपचुनाव आगे होने वाले हैं हम उसमें सरकार का विरोध करेंगे। विधानसभा 2018 में बेरोजगार युवाओं ने वोट देकर सरकार को समर्थन दिया और सत्ता में लाए, ये बेरोजगारों के साथ अन्याय है। नारा दिया था 2018 में कि हम न्याय करेंगे, लेकिन हमारे साथ अब खिलवाड़ किया जा रहा है, सरकार बदल रही है वादे करके। सरकार हम चाहते हैं वादे पूरा करे, हमारी टेक्निकल हेल्प विभाग में जल्द से जल्द विज्ञप्ति जारी करें। 2013 के पैटर्न पर विज्ञप्ति जारी हो, वो प्लान एक चाम हो। मनोज दलवाजे, जिला अध्यक्ष कोटा, राजस्थान बेरोजगार एकीकृत मास। थैंक यू।